सीरियस शक्ति अस्तित्व के एहसास की में प्रीतु आके हरमन और सौम्या को पकड़ लेती हैं और उसके बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि सुरभि हो चुकी है किडनैप। सीरियस शक्ति अस्तित्व के एहसास की में हरमन और सौम्या की खुशियों पर ताला लगने वाला है क्योंकि जल्द ही प्रीतु मुंबई आ जाएंगी। जी हाँ, दोनों इतने अच्छे से अपने हनीमून को एंजॉय कर रहे थे, दोनों को परवाह ही नहीं थी दुनिया की। हरमन सौम्या से इतना प्यार करता है ये ऑडियंस को भरपूर देखने को मिल रहा था क्योंकि हरमन सौम्या को पूरी तरह से पैम्पर कर रहा था। अब परिवार के साथ रहकर तो सौम्या के किन्नर होने की वजह से हरमन उसके साथ करीब भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन यहाँ मुंबई में उसे किसी का डर नहीं था और वो अच्छे से सौम्या को घुमा रहा था और उसे खिला रहा था और उसे बहुत सारा प्यार और एंजॉय करा रहा था। सुरभि भी अपनी बहन सौम्या और हरमन को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। आखिर उसने ये शादी इसीलिए ही की थी कि उसकी बहन सौम्या हरमन के साथ खुश रहे। लेकिन अब प्रीतो पहुँच गई है मुंबई और वो यहाँ पर हरमन और सौम्या को एक साथ देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। प्रीतो हरमन को आके एक जोर का थप्पड़ मारती है कि उसने उसे धोखा दिया है और सौम्या को भी सुनाती है कि वो अपनी बहन सुरभि की खुशियों को क्यों बर्बाद कर रही है। हरमन प्रीतो को बोलता है कि वो स्ट्रेस ना ले, सुरभि उनके साथ ही है। लेकिन जब वो लोग सुरभि को देखने जाते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि सुरभि मिसिंग है। जी हाँ, सुरभि हो गई है किडनैप। अब सुरभि को कौन कहाँ लेकर गया है ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियस शक्ति अस्तित्व के एहसास की में प्रीतु आके हरमन और सौम्या को पकड़ लेती हैं और उसके बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि सुरभि हो चुकी है किडनैप। सीरियस शक्ति अस्तित्व के एहसास की में हरमन और सौम्या की खुशियों पर ताला लगने वाला है क्योंकि जल्द ही प्रीतु मुंबई आ जाएंगी। जी हाँ, दोनों इतने अच्छे से अपने हनीमून को एंजॉय कर रहे थे, दोनों को परवाह ही नहीं थी दुनिया की। हरमन सौम्या से इतना प्यार करता है ये ऑडियंस को भरपूर देखने को मिल रहा था क्योंकि हरमन सौम्या को पूरी तरह से पैम्पर कर रहा था। अब परिवार के साथ रहकर तो सौम्या के किन्नर होने की वजह से हरमन उसके साथ करीब भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन यहाँ मुंबई में उसे किसी का डर नहीं था और वो अच्छे से सौम्या को घुमा रहा था और उसे खिला रहा था और उसे बहुत सारा प्यार और एंजॉय करा रहा था। सुरभि भी अपनी बहन सौम्या और हरमन को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। आखिर उसने ये शादी इसीलिए ही की थी कि उसकी बहन सौम्या हरमन के साथ खुश रहे। लेकिन अब प्रीतो पहुँच गई है मुंबई और वो यहाँ पर हरमन और सौम्या को एक साथ देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। प्रीतो हरमन को आके एक जोर का थप्पड़ मारती है कि उसने उसे धोखा दिया है और सौम्या को भी सुनाती है कि वो अपनी बहन सुरभि की खुशियों को क्यों बर्बाद कर रही है। हरमन प्रीतो को बोलता है कि वो स्ट्रेस ना ले, सुरभि उनके साथ ही है। लेकिन जब वो लोग सुरभि को देखने जाते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि सुरभि मिसिंग है। जी हाँ, सुरभि हो गई है किडनैप। अब सुरभि को कौन कहाँ लेकर गया है ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।